नमस्कार, हम पढ़ रहे हैं कवि आलम। इनका मुक्तक कुछ इस प्रकार से है। शीत ऋपु भीत भई छाती राति ताति तई, ऐसे ताप तिन तन तये है न तवेंगे। आलम अनिल इतराय के कलिन मिली, दिनों है कलेश सुधी आए दुनी दवेंगे। ग्रीष्म ते उसम असाढ़ उधो, माधो जो न आए बन भ्रमर जो भावेंगे। बधवे को बूंदनी वियोगनी को बीनी बीनी, आए बैरी बादर बिसासी बिस बवेंगे। यहाँ गोपियाँ अपनी विरहावस्था का वर्णन करते हुए कहती हैं कि शीत रिपु भीत भई छाती राति ताति तई, कि श्री कृष्ण के बिना शीत जो ऋतु है वो हमारे लिए रिपु भई शत्रु बन गई है और हम अत्यधिक डरे हुए हैं। छाती राति ताति तई, और हमारा जो हृदय है वो विरह अवस्था के कारण नित्य प्रति दग्ध होता रहता है, जलता रहता है। ऐसे ताप तिय तन तये है न तवेंगे, और ऐसे ताप में भी तिय तन हम सुकोमल गोपियों का जो शरीर है वो इस प्रकार से तप रहा है, इस प्रकार से जल रहा है। शीत ऋतु जिसमें व्यक्ति तपने की कोशिश करता है, गर्माहट पाने की कोशिश करता है, उसमें भी हम ऐसे तप रहे हैं कि संसार में कोई दूसरा इस विरह की स्थिति को, इस दग्धता की स्थिति को नहीं समझ सकता। आलम अनिल इतराय के कलिन मिली। आलम कवि कहते हैं कि प्रकृति का जो सौंदर्य है वो अपने चरम पर है, कलियां हैं वो इतराकर हवा से मिल रही हैं, अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य अपनी पूर्ण सुषमा पर है। दीनों है कलेश सुधी आए दुनी दबेंगे, और प्रकृति का जब हम ये माधुर्य रूप देखते हैं, मिलन का जब सौंदर्य देखते हैं, तो दीनों है कलेश कलियों को हवा से मिलता देखकर हमें अत्यधिक क्लेश, अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है, और उनको देखकर हमें श्री कृष्ण की सुध आती है, उनकी याद आती है, और दोनों दबेंगे, और इस कारण से हम दुगने जलना शुरू हो जाते हैं, विरह की अग्नि में हम अत्यधिक दग्ध होने लगते हैं। ग्रीष्म ते उसम असाढ़ उधो, और आगे ऋतुओं का वर्णन करते हुए कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, ग्रीष्म से भी अधिक, गर्मी से भी अधिक आषाढ़, आषाढ़ का जो महीना है, वर्षा ऋतु का जो माह है, वो गर्मी से भी अत्यधिक तपाने वाला है, जलाने वाला है। माधो जो न आए, और ऐसी परिस्थितियों में भी यदि श्री कृष्ण नहीं आए, मन भ्रमर जो भावेंगे, तो हमारा मन भ्रमर के समान, जिस तरह से भ्रमर है वो भटकता फिरता है, एक कली से दूसरी कली पर चक्कर काटता फिरता है, उसी तरह से हमारा मन है वो भ्रमर के समान भटक जाएगा, चक्कर काटता रहेगा, या हम चक्कर खाकर गिर जाएंगी, हम अचेतना अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। बधवे को बूंदनी वियोगनी को बीनी बीनी, आए बैरी बादर बिसासी बिस बवेंगे। आषाढ़ ऋतु के बाद जो सावन का महीना है उसका वर्णन करते हुए गोपियाँ कहती हैं कि बधवे को बूंदनी, कि हमें बींधने के लिए, हमें दुखी करने के लिए, या हमारा वध करने के लिए वियोगनियों को, हम जो विरहिणी गोपियाँ हैं उनको वध करने के लिए बीनी बीनी बूंदनी, बारिश की ये जो झिरमिराहट वाली ये छोटी छोटी जो बारिश की बूंदें हैं वो हमें और ज़्यादा दग्ध कर रही हैं, हमारी मृत्यु को मानो वो समीप बुला रही हैं। आए बैरी बादर, और उस पर भी ये बैरी बादल आ गए हैं, बिसासी विष बवेंगे, ये ऐसे विश्वासघाती हैं जो अब विष को बोएंगे। यहाँ गोपियों के कहने का तात्पर्य ये है कि जब जब बादल आते हैं तो वो बादल आकर चारों तरफ हरियाली फैलाते हैं, चारों तरफ खेतों में निराई गुड़ाई और फसलों को बोने का काम हो जाता है, लेकिन ये विश्वासघाती बादल ऐसे हैं जो श्री कृष्ण के बिना भी चले आए हैं, जबकि इनको आना चाहिए था जब श्री कृष्ण हमारे संयोग में थे, तब ये आते तो मन को भाने वाले थे, लेकिन ये विश्वासघाती बादल इस समय आए हैं, तो इस समय ये जो बादल हैं वो हमारे लिए शत्रुवत हैं और आकर ये विष को बोने का काम कर रहे हैं, अर्थात फसलें लहलहाने के स्थान पर अब मानो जहर के समान ये बादल हमें श्री कृष्ण की याद दिलाएंगे, और नित्य प्रति ही हम विरह की अग्नि में जलती रहेंगे। अगला मुक्तक देखते हैं मालम का।
लता प्रसून डोल बोल कोकिला अलाप के की लोक कोक कंठ जो प्रचंड भुज गंग की समीर बास रास रंग रास के बिलास बास पास हंस नंदिनी हिलोरी के लिपुंज की आलम रसाल बन गान ताल काल सो विहुंग बाय बेगी चाली चित्र लाल लुंज की सदा बसंत हंत शोक ओक पोक देवलोक ते विलोक रीझी रही पाति भांति सो निकंज की। लता प्रसून डोल बोल, चारों तरफ लताएं हैं, उन पे पुष्प डोल रहे हैं अर्थात पुष्प हिल रहे हैं लताओं पर। कोकिला अलाप केकी, कोयल मयूर ये मधुर स्वर में आलाप कर रहे हैं। लोक कोक कंठ जो प्रचंड भुज गुंज की, और चारों तरफ कोकिल के स्वर हैं, भंवरों के स्वर हैं और चकवा चकवी के जो स्वर हैं उनके कंठ से जो स्वर निकल रहे हैं वो प्रसारित हो रहे हैं। प्रचंड भृंग गुंज की, और चारों तरफ भंवरे की जो गुंजान है वो भी प्रसारित हो रही है। समीर बास रास रंग रास के विलास वास, और प्राकृतिक रूप से चारों तरफ सुषमा इस प्रकार फैली हुई है कि चारों तरफ समीर है, हवा है, वो मंद गति से चलता हुआ सुगंध को प्रसारित करता है और मानो सुख और विलास को, आनंद को वो चारों तरफ फैला रहा है। पास हंस नंदिनी हिलोरे केली पुंज की, और पास ही पानी में तालाब में हमें हंस नंदिनी हिलोर लेती हुई प्रेम क्रीड़ा करती हुई दिखाई देती हैं। आलम रसाल बन, आलम कवि कहते हैं कि वनों में रसाल अर्थात आम आ गए हैं। गान ताल काल सो, चारों तरफ गाने का स्वर सुनाई पड़ता है। विहुंग बाय बेगी चली चित्त लाज लुंज की, और हमारे चित्त को दुखी करते हुए, हमारे चित्त को घायल करते हुए चारों तरफ हवा है, वो अपनी मंद मंद गति से, अपनी मंथर चाल से, अपनी मादकता भरी चाल से चलती जा रही है। सदा बसंत हंत शोक ओक देव लोक ते, गोपियाँ कहती हैं कि ये बसंत ऋतु है वो ऐसी है कि देवलोक से आने वाले सुखों के समान ये सारे शोक को हंत यानी हर लेता है, सारे शोक सारे दुख सारे संतापों को जब जब बसंत ऋतु आती है तो नष्ट कर देता है। विलोक की रीझी रही पाति भांति जो निकुंज की, श्री कृष्ण के सामिप्य में, श्री कृष्ण के संयोग में निकुंजों की, जिनमें श्री कृष्ण गोपियों के साथ राधा के साथ रास लीला करते थे, उन निकुंजों में अनेक प्रकार से आनंद है वो हमें प्रसारित होता हुआ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको देखकर देवताओं का जो स्वर्ग है वो भी मानो रीझ रहा हो, इसके सामने मानो लज्जित हो रहा हो। आज के लिए इतना ही। आलम कवि के अन्य मुक्तक हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।